तो राज्यभरमां गरमीना पारामां वधारो थयो छे। गरमीना पारामां वधारो थता मंदिरमां अलग अलग प्रकारनी सुविधाओ आपवामां आवी रही छे। त्यारे हवे वडोदराना अटलांदर स्वामीनारायण मंदिरमां भगवानने पण गरमी न थाय ते माटे खास सुविधाओ ऊभी करवामां आवी। भगवानने खास प्रकारना चंदनना वस्त्र धारण करावामां आव्या। चंदनथी ठंडक थाय ते माटे भगवानने चंदनना वस्त्र पहेरावामां आव्या। दररोज सवारे भगवानની प्रथम आरती थाय छे अने भगवानને श्रृंगार करવામાં આવે છે। આ શૃંગાર દરમિયાન જ ભગવાનને એક ખાસ તરીકાથી ચંદનના વસ્ત્ર પહેરાવવામાં આવે છે। ભક્તો પ્રમાણે ચંદનથી ઠંડી મળે છે તે માટે ભગવાનને ચંદનના વસ્ત્ર પહેરાવવામાં આવી રહ્યા છે। ભક્તિ પ્રણાલિકાઓ મેં જીસસ મંદિરો મેં ભગવાન કે પ્રતિ ભક્તિ કી પ્રણાલિકા પ્રચલિત હૈ। वहां सभी जगह चंदन के वस्त्र भगवान को अर्पण किए जाते हैं और इसके पीछे एक ही तात्पर्य है। अभी वैशाख मास चल रहा है और ग्रीष्म ऋतु है, तो ग्रीष्म ऋतु में पूरे संसार में हम जानते हैं कि बहुत ही गर्मी होती है और इसलिए भगवान के पूरे शरीर पे ज्यादातर पंच धातु की मूर्ति पे चंदन के पट किए जाते हैं। उसके पीछे एक ही विभावना है कि हे भगवान, हम आपको चंदन के पट अर्पण कर रहे हैं, तो पूरे ब्रह्मांड में आप भी शीतलता प्रदान करो।